हम अपने जीवन की प्रैक्टिकल अनुभव आपको बताते हैं। हम नर्मदा जी में स्नान करने जाते हैं ना, जितनी बार जाते हैं ग्रहण के बाद स्नान करने जाते हैं, फिर कभी अमावस्या होती है या कोई अच्छे दिन होते हैं, तब खासकर सभी लोग पुण्य की प्राप्ति के लिए नर्मदा जी में स्नान करने जाते हैं। आप जब नर्मदा जी में स्नान करने जाते हैं तो पहला विचार आपको यही आता होगा ना कि मुझे पुण्य की प्राप्ति हो, मैं इसीलिए डुबकी लगा रहा हूँ। ठीक है, मुझे पहला विचार आता है कि जो लोग यहाँ तक असमर्थता के कारण चलकर नहीं आ पाए, पैसों की वजह से हो या बीमारी की वजह से हो, जो लोग यहाँ तक पैदल नहीं चल के आ पाए, हम उनकी ओर से डुबकी लगाते। और ये फल हम उसी को अर्पित करते हैं। जब हमारी वृत्ति हमारे कर्मों के द्वारा किसी और की भलाई के लिए लग जाए, तब हमारा कर्म का योग सिद्ध हो जाए। हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग दर्शन करने आते हैं, हम लोग सत्संग में आते हैं, सत्संग में आते हैं, आते तो हैं, एक अच्छा लगता है, हमें लगता है मेरे मन का मैल दूर हो रहा है। ठीक है, तो हम दूर हो रहा है तो करने वाला तो वो काम कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, वो बेचारा मेहनत कर रहा है, धोबी घाट खोल के बैठा और धो धो करके, हमें कुछ नहीं करना है, वो बेचारा काम कर रहा है, हमें एक व्यसन हो गया है सत्संग सुनने का, तो हम आते हैं, हम सुनते हैं, उस पर हम चलते हैं नहीं चलते फर्क नहीं पड़ता, हम सेवा करते तो सेवा का फल हमें हमारे काम होने चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे छुपे हुए अहम को पोषण मिलता है। मैं सेवा क्यों कर रहा हूं, मैं सेवा करता हूं तो मुझे आदर मिलता है, मैं सेवा में हूं तो मुझे लोग सम्मान से देखते हैं, मैं सेवा में हूं तो मेरी लोग बात मानते हैं, मैं सेवा में हूं, कहीं ना कहीं हम उस कर्म का फल हमारे लिए चाहते हैं। पर हमने जो कुछ भी किया वो केवल और केवल परमात्मा के नाते किया, उसका फल हमें अच्छा मिला या बुरा मिला, उस पर अगर हम विचार नहीं करते तो ये हमारा कर्मयोग है। ऐसे कर्मयोगी भी बड़े मुश्किल से मिलते हैं, बहुत कम तादाद में मिलते हैं। कोई अगर गीता के कर्मयोग को सिद्ध कर लेने वाला हो ना, तो उसे ज्ञान से अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तो कर्म करते करते भी जीवन मुक्त है।